हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट, यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। ये मैं कार्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखा ना, हाउ, ये हमारा क्वेश्चन बना इसको, ये आ गया हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और साथ में लिख लो ठीक है, इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। ये हमारा क्वेश्चन है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सारा नहीं करेंगे, इसके बीच में से कुछ कुछ पॉइंट लेंगे हम लोग, जो लाइन इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर दूंगा वो हमें करनी है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट भी आ सकता है, और अब वो सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमने लेना है, सबके हेडिंग बनाने हैं। अब यहाँ पे पहले हम हेडिंग बना देंगे इरीगेशन फैसिलिटीज, इरीगेशन फैसिलिटीज, इरीगेशन फैसिलिटीज, ये हमने हेडिंग बनाना है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टेक द एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी ने लिखा पेपर में हम लेंगे स्मॉल फार्मर, एक स्मॉल फार्मर है, सपोज के पास कितने लैंड है, 2 हेक्टेयर लैंड है, अन इरीगेटेड लैंड है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर दे, लोन प्रोवाइड कर दे, वो अपना लक्ष्मी अपना जो स्मॉल फार्मर है, अगर गवर्नमेंट उसको लोन दे देगी तो स्मॉल फार्मर अपना वैन ट्यूबल हमें खोलेगा, उसको खोलने से क्या आएगा, अब जब वो एक क्रॉप ग्रो कर रहा है वहां पे ज्यादा क्रॉप ग्रो करेगा, 2 क्रॉप ग्रो करेगा, अगर 2 क्रॉप ग्रो करेगा सेकेंड क्रॉप भी ग्रो करेगा, तो 2 लोगों को और काम मिलेगा। तो इस तरह से बाय प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, द गवर्नमेंट क्या करेगी, कैन प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल, फिर लक्ष्मी क्या करेगी, देन एबल टू इरीगेट हर लैंड, सेकेंड क्रॉप भी ले लेगी, और उसके बाद क्या आएगा बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्रॉप अब क्या है, अब नाउ यहां से ड्राइंग कर लो, अगर कोई न्यू डैम मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है न्यू डैम या कनाल की कंस्ट्रक्शन होती है, तो इससे क्या आएगा, इससे जो फार्म्स को वो पानी मिलेगा, और मोर दिस कुड लीड टू लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज्यादा काम मिल जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये हमारा वहां से यहाँ लगती है, हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है बाय प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज। सेकंड यहाँ पे हमने हेडिंग बनाना है ठीक है, बाय गवर्नमेंट सपोर्ट, सेकंड हेडिंग बनाना है बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये हमारा सेकंड हेडिंग है। ये पूरा कह रहा इसका है इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट, समझा देता हूँ उसमें है क्या, इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट की जगह पे गवर्नमेंट सपोर्ट की जगह पे अगर आप एक हेडिंग बनाते हैं दूसरे वाला ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं लिखना है, दोबारा मैं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, देखो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये हेडिंग बनाना है। अब इसमें क्या है कि इस पैराग्राफ में ये है, मैं समझा देता हूँ कि फार्मर्स जब ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो क्रॉप्स ज्यादा होने से उनके पास सरप्लस क्रॉप्स बच जाएंगे, तो वो सरप्लस क्रॉप्स को दूसरी जगह मार्केट में बेचेंगे, तो मार्केट में बेचने के लिए क्या है, उनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। अब ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी तो गवर्नमेंट को रोड्स बनानी पड़ेंगी, और रोड्स बनाएंगे लोगों को काम मिलेगा, और जो ट्रक ड्राइवर हैं वो जो ट्रक्स वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो ग्रेन्स को लेके जाएंगे लेके आएंगे, तो इस तरह से क्या है लोगों को काम मिलेगा। तो बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इस तरह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। कैसे, यहाँ से कहना है कि जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस मोर देन द बिफोर, पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं करके, अब ऐसे ही उनके लिए सेल करने के लिए भी ज्यादा है, ज्यादा सेल करने से क्या है, अब क्या करेंगे, दे मे रिक्वायर ट्रांसपोर्ट, जो सारा सामान को ट्रांसपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इन्वेस्ट करेगी मनी ट्रांसपोर्टेशन में, तो फिर क्या होगा, बेटर रोड्स बनेंगी, मिनी ट्रक्स वगैरह ज्यादा चलेंगे, तो लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। तो ये हमारा आ गया सेकेंड पॉइंट, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब थर्ड पॉइंट आ गया कि लोन, अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ये कह रहा है, यहां पे लिख दो लोन, बाय प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज, लोन बाय प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज,
अब टू कल्टीवेट लैंड फार्मर्स को क्या चाहिए, सीड्स फर्टिलाइजर चाहिए सारा, और सारा इक्विपमेंट सामान चाहिए, पंपिंग सेट चाहिए। फार्मर्स पुअर होते हैं, वो उनके पास पैसे नहीं होते कि ये सारा सामान ले लें। अगर क्या है, अगर वो मनी लेंडर से लेते हैं तो उनको बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट अगर उनको लोन देती है, यहाँ इसका सोल्यूशन यहाँ पे है ठीक, कि गवर्नमेंट इफ लोकल बैंक्स गिव देम लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट पे अगर उनको लोन मिलेंगे तो वो सारा चीजें परचेज कर लेंगे। इट मीन्स अलॉन्ग विद वाटर उनको जो जो सामान चाहिए सारा सस्ते में मिलेगा, और वो प्रोडक्शन क्या है ज्यादा होगी और लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, बाय प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज, थर्ड पॉइंट आ गया। तीन पॉइंट हो गए, पहला क्या था, बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन के थ्रू वेल्स खुलेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगी और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। सेकंड बाय ट्रांसपोर्टेशन, तो ज्यादा क्रॉस प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा सामान बनेगा और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, ट्रकों वालों को, रोड वालों को काम मिलेगा जो रोड्स बनाएंगे। फिर आगे आगे उसके बाद जो लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो लोन प्रोवाइड करने से जिनपे काम, जिनके खेत वाले काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जब लोन मिल गया तो फर्टिलाइजर सीड्स परचेज करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो ये थ्री स्टेप्स हो गया कि कैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है यह एम्प्लॉयमेंट। अब फोर्थ स्टेप आ गया। अच्छा, अब फोर्थ स्टेप हम करते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आ गया, इसका ना अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज की गवर्नमेंट कैसे, हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड बाय एस्टेब्लिशिंग रूरल इंडस्ट्रीज, गांव में इंडस्ट्रियां लगा के भी कैसे कैसे लोगों को काम मिल सकता है। फुल सारा आंसर है ठीक है। तो इसमें क्या कि इसका अलग भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर में, 3 का या 5 का। अब इसमें आपने 4 बताया, इसका आंसर कहाँ से आएगा कि जो बहुत सारे फार्मर्स हैं और जो ये अरहर जो जो दाल वगैरह उगाते हैं, अगर गवर्नमेंट क्या करेंगे, अगर लोग क्या करेंगे, जो सेटिंग अप ऑफ दाल मिल, अगर दाल मिल कहीं खुल जाती है दाल की प्रोसेसिंग के लिए, तो वहां दाल मिल खुलने से क्या है, ये लोग फार्मर्स आगे वहां बेचेंगे और लोगों को वहां पे काम मिलेगा। तो हेडिंग दाल मिल बनाना है फर्स्ट हेडिंग, और इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि कैसे दाल मिल खोलने से लोगों को काम मिलेगा। सेकंड हेडिंग हमारा आएगा बाय ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज खोलने से क्या आएगा कि फार्मर्स दे कैन स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज एंड ऑनियंस, वो अपने सारा सामान स्टोर कोल्ड स्टोर में रख देंगे और जब महंगा हो जाएगा तो फिर उसको बेच सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, यहाँ से हेडिंग आएगा हमारा हनी कलेक्शन सेंटर्स, ये हमारा थर्ड हेडिंग है कि विलेजेस में जो फॉरेस्ट के आसपास हनी कलेक्शन सेंटर खोल जाएंगे, फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स आके वहां पे सारा अपना हनी बेच सकते हैं, तो इस तरह से भी लोगों को काम मिलेगा। चौथा पॉइंट आपने लिखना है बाय प्रोसेसिंग वेजिटेबल्स, जब वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, राइस हैं ठीक है, जो सारी वेजिटेबल्स हैं ठीक, अगर वो प्रोसेस होएंगी जैसे टोमेटो होते हैं उसकी चटनी बनेंगे, चार मुरब्बे बनेंगे रखे हैं, तो इस तरह से भी अगर वो प्रोसेसिंग वेजिटेबल वाली इंडस्ट्री भी खुलती है तो लोगों को वैसे भी काम मिलेगा। तो 4 तरीके से लोगों को हम लोग काम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय बाय सेटिंग अप ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। तो पूरा पहला यहाँ तक आपने आंसर दे रहा है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अगला हेडिंग हमें बनाना है कि और इम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो एजुकेशन, हेडिंग बनाओ एजुकेशन। अब यहाँ लिख दो स्कूल भी लिख सकते हो आप ठीक है, एजुकेशन लिख दो या स्कूल लिख दो। अब इसमें क्या आएगा, वो कह रहा है कि डू यू नो इंडिया में क्या कि 60% पॉपुलेशन है वो इस एज की है, और इसमें 51% जो है वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जो रेस्ट लोग हैं बाकी है वो 18 साल के लेस 18 वो घरों में बैठे हुए हैं। मतलब कहने का कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो अगर गवर्नमेंट ने उनको स्कूल भेजना है ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने उनको स्कूल भेजना है ठीक, तो फिर क्या होगा। तो ये देखो वो ये कह रहा है कि इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल, गवर्नमेंट को बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, टीचर्स बनाना पड़ेगा और स्टाफ भी रखना पड़ेगा, तो इट मीन
गवर्नमेंट स्कूल खोले, स्कूल में बिल्डिंग बनेगी, वहां पे लोगों को काम मिलेगा, और उसके बाद टीचर्स रखने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर स्टाफ रखना पड़ेगा, पीएस रखने पड़ेंगे, तो इस तरह से लोगों को काम मिलेगा। कैसे? बाय सेटिंग अप ऑफ स्कूल। कितना काम मिल सकता है? तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंगली, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, आजकल उसका नया नाम क्या है, नीति आयोग, ठीक है, तो NITI, इसकी फुल फॉर्म भी है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, ये फुल फॉर्म आप कंफर्म कर लेना। तो 20 पेपर में 1 मार्क से पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के अकॉर्डिंगली कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती है, 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग बनाना है हेल्थ, तो ये आएगा कि सिमिलरली अगर लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हम लोगों अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, तो हॉस्पिटल बनाने जो बनाएंगे उनको काम मिलेगा, ठीक है, और जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको काम मिलेगा। तो इस तरह से बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट कैन क्रिएट जॉब्स इन द रूरल एरियाज। तो दीज आर सम वेज बाय विच जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और उसके बाद लास्ट इसका हमारा हेडिंग आ गया कि यहाँ पे कि हर टूरिज्म हेडिंग हम बनाएंगे टूरिज्म, तो ये हमारा हेडिंग आएगा टूरिज्म। तो ये लास्ट हेडिंग है, वो कह रहा है कि हर रीजन जो भी एरिया होता है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कोई ना कोई तरीका टूरिज्म का हम कर सकते हैं। कैसे? कुछ अगर हर एरिया में कोई ना कोई जगह होती है जहाँ टूरिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। If some of these would require proper planning करें government support, for example, planning करके government support करके tourism के through लोगों को employment दे सकती है। कैसे? कि अगर किसी जो जो areas हैं जो under development है वहाँ पे अगर government tourism की facility provide करती है, वहाँ पे guides हैं जो फिर जो दुकानें खुल जाएंगी तो लोगों को काम मिलेगा। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली टूरिज्म से कितने लोगों को काम मिलेगा? 35 लाख लोगों को काम मिलेगा। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो टिल हियर ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो 6-7 पॉइंट हमने किए, 5 मार्क्स में आता है, तो 5 पॉइंट मिनिमम आपको लर्न करनी पड़ेगी करके। तो जो जो भी हमने किया गया बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज आ गया, बाय प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज आ गया, बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ गया, बाय प्रोवाइडिंग लोन आ गया, फिर बाय सेटिंग इंडस्ट्रीज आ गया, बाय ओपनिंग स्कूल्स आ गया, बाय ओपनिंग हॉस्पिटल्स आ गया। इस तरह से गवर्नमेंट क्या है रूरल एरियाज में, सेमी रूरल मतलब तो हाफ रूरल्स है, तो गाँव में कैसे काम प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये है इन 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, एक इस चैप्टर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है लास्ट पेज पेपर, ये 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 पेपर में आने ही आ रहा है, ठीक है। अब आज 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये इजी है, मैं 9th में किया हुआ करके, राइट टू वर्क, ठीक है, या नोट आया है, क्वेश्चन क्या आएगा आपको, ठीक है, नोट ऑन किसके ऊपर, मनरेगा के ऊपर नोट आ जाए, या राइट टू वर्क आ जाए, नोट आ जाए, एक ही बात है। अब ये क्या है जो राइट टू वर्क है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट 1 मार्क्स में आता है, कितने डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ है, 625 डिस्ट्रिक्ट में आ गया। इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी है, ये लर्न करना है। उसके बाद क्या है कि इसमें गवर्नमेंट करती क्या है कि 100 में से कम 3 साल में कितने होता है 365, तो 365 डेज में से गवर्नमेंट कम से कम 100 डेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। तो ये आ गया गवर्नमेंट गारंटी 100 इज एम्प्लॉयमेंट। इसमें एक पॉइंट ये वाला आ गया, आपने पहले फुल फॉर्म लर्न करनी है, ईयर लर्न करना है, 100 इज एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी। अगर इफ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो उनको पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा लोगों को। तो ये हमने करना है, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स है, राइट ए नोट ऑन मनरेगा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, एक्सप्लेन, ये हमारा आ गया, यहाँ पे डिवीजन हमने करनी है, ये हमारा आ गया, यहाँ पे देखते हो एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये हम कर लेते हैं, ये पूरा टॉपिक 2 पेज का है, दोनों पेज में से जो जनरली पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। पहले मैं आपको सारा समझा देता हूँ, इसमें जो 2 फोटोग्राफ बनी हुई है आप देख लो, है ना, ये फोटो बनी है, एक कांता है एक कमल है। कांता क्या है, कांता गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही है,
ठीक है। और जो भी किसी के आंटी है मदर है जो भी लेडीज या जेंट्स कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं ठीक है, वो किस में आते हैं, बैंक में हो गए या टीचर्स हो गए, वो किस में आ गए, वो आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और जो आ गए जैसे कोई ईंटें उठाने वाले लोग आ गए हैं ठीक है, कैजुअल लेबर्स आ गए या कोई दुकानों में काम करने वाले लोग आ गए ठीक है, जैसे कम वाला है, तो ये किस में आते हैं, ये अनऑर्गेनाइज में आते हैं। तो डिफरेंस फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं, 5-6 डिफरेंस हमने करने हैं कि दोनों डिफरेंस क्या है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं तो उनके क्या है, उनके तो पहले फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं ठीक है। ये देखोगे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स तो वहां पे, यहाँ लेस वर्किंग आवर्स तो इनके क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। एक आ जाएगा कि अब इनकी सैलरी ज्यादा होती है, उनकी सैलरी कम होती है, इनको फैसिलिटीज होते हैं प्रोविडेंट फंड वगैरह ठीक है, मतलब थोड़े पैसे जो ऑफिस वाले काटते हैं, थोड़े पैसे गवर्नमेंट डालती है, थोड़े ऑफिसर डालते हैं, तो इकट्ठे पैसे मिलते हैं। ये बंदा रिटायर्ड होता है उसको मतलब प्रोविडेंट फंड, तो वो फैसिलिटी मिलती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। इधर प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी कोई होती नहीं है। मेडिकल और जो है जो बाकी मेडिकल फैसिलिटीज है, बाकी फैसिलिटीज भी होती है यहाँ पे ऑर्गेनाइज में, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती इनके। अब आ गया संडे को नहीं जाते हैं, और जब हॉलीडे होती है तो पैसे मिलते हैं, तो इनको संडे को भी काम करना पड़ता है जो ऑर्गेनाइज वालों को, और उनको फिर जब है जिस दिन जैसे कोई छुट्टी करेंगे तो उनको पैसे कोई नहीं मिलेंगे, पेड ऑर्डिनेंस नहीं मिलेंगे। इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये सारा डिफरेंस में आप लोगों को डिफरेंस फॉर्म में लिख देना है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ये 7-8 पॉइंट ही है, यही यहाँ पे घूम के सारे आ गए, ये जो सारा लिखा हुआ करके। तो ये अगर सेपरेट क्वेश्चन अगर बोल दो तो हम बोल देंगे कि ठीक है व्हाट, ठीक है राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ से लेके ऊपर तक आ गया, ये सारा पैराग्राफ आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाएगा। ये हमने सारा कर ही लिया है। इनको ऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, सारे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं इनको, ये सारे जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और जितने भी इसमें हमने किया कि फैसिलिटीज हैं, सारी फैसिलिटीज हैं वो इनको मिलती हैं। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं है ना, और ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, पेड लीव्स मिलती हैं। तो ये सारा हमने किसमें आ गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो हमने किया ना डिफरेंस ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज वाला सारा इस तरफ लिख दोगे आप लोग, तो अनऑर्गेनाइज का अगर हमें करना है, यहाँ तक ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे आ गए यहाँ से लेके ठीक है, ये हमारा आएगा अनऑर्गेनाइज का आ जाएगा। अनऑर्गेनाइज में यहाँ से शुरू हो गया, ये अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज हमने ये कर लिया कि स्कैटर होती है, किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, इसमें लो पेड जॉब्स होती हैं, रेगुलर नहीं होती हैं, और ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते हैं, ना कोई हॉलीडेज के पैसे मिलते हैं, कोई बीमार हो जाएगा, कोई मेडिकल फैसिलिटीज कुछ नहीं करके ठीक है। तो जब जब काम होता है तो उनको निकाल देते हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी कोई है ही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट वही हमने जो किए हैं डिफरेंस वाले किए हैं, वो सारे पॉइंट सेम आ जाएंगे। तो बेटर है कि आप ऐसे डिफरेंस फॉर्म में लिख लो इस चीज को देख के, तो आपको ईजी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आ गया ये क्वेश्चन हमारा कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर इसका क्वेश्चन ये भी आता है, यहां पे आप लोग कर सकते हैं, ये लिखा ना क्वेश्चन ये वाला, हैंस देयर इज द नीड फॉर मोर वर्क, देयर इज आल्सो नीड फॉर, यहां पे लिख दो कि व्हाई, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, व्हाई देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है। और जो पूरा पैरा है इस तरह दोनों पैराग्राफ, ये आंसर है हमारा कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है करके, वो इसलिए है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले भी हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज तरह बिहेव करते हैं, मतलब सारी सर्विस देते नहीं है। जब हम लोग जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं जो, और जो प्रोविडेंट फंड वगैरह, वो फंड फंड वगैरह देते नहीं है, तो वो कैसे करते हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं, मैं बताता हूँ, ये वो कह रहा है द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब लोग क्या चाहते हैं, पीपल वॉन्ट टू वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर क्योंकि वहां पे फैसिलिटी ज्यादा है,
लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबको काम नहीं मिलता है। जब सबको काम नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो एक्सपेंड तो कर रही है बट एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। इट इज कॉमन टू फाइंड आउट कि मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं वो किस तरह से काम कर रही है, अनऑर्गेनाइज तरह काम कर रही है, मतलब लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रही है। फिर वो क्या काम कर रही है, ऐसे तरीके अपना रही है टैक्स को बचाने के लिए करके। सो एज ए रिजल्ट जब लोगों को पूरी फैसिलिटीज नहीं मिलती है तो फिर क्या हो रहा है करके, फिर ये हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वो कहाँ पे है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनको पता है कि जो ऑर्गेनाइज वाला उनका काम है, लेकिन उनको ऑफिस में काम वाला है, लेकिन ऑफिस में उस तरह प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, कोई ऑप्शन कोई है नहीं, तो फिर अनऑर्गेनाइज में ही काम कर रहे हैं। They are exploited होते हैं, exploited, they are not paying, fair wages नहीं मिलते उनको, earnings उनके low होती है, job secure नहीं होती है, इसलिए फिर क्या है, इसलिए वो किसमें उनको इसी में ही काम करना पड़ता है। इसलिए क्या है, that is why, ठीक है, that is why there is need for more work and there is also need to protect, इन लोगों को protect करने की जरूरत है। ये हमारा question हो गया। अगला हमारा question ये है कि Who are the vulnerable people who need protection? वो जो vulnerable मतलब वो कौन कौन से लोग हैं जिनको protection चाहिए? Who are the vulnerable people who need protection in rural areas? Heading है rural areas और ये heading आ गया in the urban areas. Rural areas में किनको protection चाहिए? कौन से लोग हैं? Landless agriculture लोग आ गए, marginal workers आ गए, फिर वीवर्स आगे, ब्लैक स्मिथ आगे, गोल्ड स्मिथ आगे, ये लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। ये किसमें काम कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहाँ पे? इन द रूरल एरियाज। और ये इनकी गवर्नमेंट पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन गवर्नमेंट सपोर्ट देम, गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट कैसे कर सकती है? दीज फार्मर्स नीड सपोर्ट थ्रू द गवर्नमेंट कैसे कर, डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल जाए, मशीनें मिल जाए उनको करके, लोन मिल जाए, स्टोरेज फैसिलिटीज मिल जाए, मार्केटिंग फैसिलिटीज मिल जाए, इस तरह से गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है। पहला पार्ट है कि कौन से लोग हैं, ये वाले लोग हैं, गवर्नमेंट कैसे उनकी हेल्प कर सकती है, इस तरह से गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है। ये कहाँ पे? इन द रूरल एरियाज। अब आ जाओ कि इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में कौन से लोग हैं, अर्बन एरियाज में कौन से लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए? ये आ गए जी अर्बन एरियाज में, देखते हैं कौन से लोग हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं, ईंटें उठाने के काम में लगे हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट में काम लगे हुए हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गारमेंट है, रैग पेपर, जो कपड़े में से जो उठाना कूड़ा वगैरह उठाने वाले आगे रखे गलियों में घूमने वाले, तो इनको क्या चाहिए? ये लोग हैं बहुत जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। किसमें काम कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहाँ पे? अर्बन एरियाज में, शहरों में इनको प्रोटेक्शन चाहिए। गवर्नमेंट कैसे उनकी हेल्प कर सकती है, ये सेकंड पार्ट है कि इनकी हेल्प गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, कैसे? बाय प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके, उनको मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो इसलिए जो कैजुअल वर्कर्स हैं रूरल एरियाज में भी अर्बन में, दोनों में इनकी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये है, ये लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, ये है कि उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी। ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया, पहले हमने किया रूरल वाला, फिर किया अर्बन वाला। अब तीसरा इसका पार्ट है, एक पार्ट और भी है, ये हमारा आ गया। इसमें है कि इसके अलावा जो रूरल और अर्बन के अलावा वी ऑल्सो फाइंड मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स जो कहाँ पे है, जो शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस से हैं, वो किसमें काम कर रहे हैं? वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उनको भी क्या है, इररेगुलर एंड लो पेड वर्क काम मिलता है उनको। दीज वर्कर्स दे आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी उनके साथ हो रहा है। तो इसलिए ये हम क्वेश्चन में हमारा बन जाता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज नेसेसरी बोथ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप लिखोगे दो दो वाले पार्ट, जो रूरल वाला है और अर्बन वाला, जो दो फर्स्ट दो पैराग्राफ है वो आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे, और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये वाला, ये किसमें आएगा? ये सोशल डेवलपमेंट में आएगा। तो तीन हेडिंग मानेंगे, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज
और ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जिनको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन चाहिए अनोन सेक्टर में। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा फुल पैरा आंसर है। आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है लास्ट लाइन्स, और जो हमने बनाया क्वेश्चन वो भी आ सकता है। ठीक, अब आ गया कि गवर्नमेंट हमने डिवाइड करना है उसको, यहाँ पे लिख दोगे कि डिवाइड सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, कि मालिक कौन है, ये पब्लिक और प्राइवेट। पेपर में आता डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, इसको कैसे लिखना है? आपने कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इट इज थ्री पार्ट्स बोल रहा हूँ, अच्छा सुन ध्यान से। पब्लिक सेक्टर इट इज ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इट इज ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओन मतलब उनके मालिक कौन है, कंट्रोल कौन करता है, उधर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इधर प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करते हैं। दूसरा पॉइंट हम करेंगे कि एग्जाम्पल, अब प्राइवेट सेक्टर की एग्जाम्पल क्या लिख दोगे, आप लिख दो टिस्को, टाटा, आर एन एस स्टील कंपनी, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये एग्जाम्पल लखाने लिख दो, बजाज लिख दो, तो झंडो बजाज लिख दो और उसमें ब्याजनाथ है, बहुत सारी गोदरेज है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, सारे ये सारी एग्जाम्पल आ गई प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। और रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस किसकी एग्जाम्पल आ गई, ये गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम्पल आ गई। पहला डिफरेंस डेफिनेशन, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसकी जो एग्जाम्पल आ गई पब्लिक एग्जाम्पल रेलवे पोस्ट ऑफिस, इधर एग्जाम्पल आ गई टाटा और रिलायंस। थर्ड पॉइंट आ गया, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो थ्री पॉइंट्स हो गए, इसको चाहे आप यहाँ से कुछ भी लर्न करो, थ्री पॉइंट्स डिफरेंस में लर्न कर लो, बस वही बहुत है। ये सारा कुछ इतना ही लिखा हुआ है, जो थ्री पॉइंट डिफरेंस में लिखे बस वो जो बोले उसको आप रिवाइंड करके आराम से स्लो सुन के लिख लो, तो वही पॉइंट बन गया, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों को लिख दो। ठीक, अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स में हमने दिया था कि हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड, विच 6-7 टूरिज्म हेल्प फॉर पॉइंट आ गया, और दूसरा आ गया ये वाला क्वेश्चन आ गया। इसके दो क्वेश्चन है, ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, ये हमारा क्वेश्चन बना, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन आप, मॉडर्न डेज गवर्नमेंट स्पेंड ऑन होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां फिर इसका क्वेश्चन एक और भी है, मैं इसका क्वेश्चन और लिख रहा हूं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यहां पे हम दोबारा लिख रहा हूं, सॉरी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, दोबारा बोलता हूं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इसका ये और क्वेश्चन है। वैसे दो क्वेश्चन ही है, दो में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, ये मतलब क्वेश्चन दो है, आंसर सेम ही है। तो इस चैप्टर के दो मेन टू मेन बोर्ड क्वेश्चन, एक ये वाला और एक पीछे एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन, वो 5 मार्क्स में अच्छे से लर्न करने हैं। और आप देखोगे अभी आपके एग्जाम आएंगे तो एक लर्न करके जाओगे तो आपको 100% इन दोनों से एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। 5 मार्क्स अगर बड़ा है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, मेन लाइन ड्राई कर दूंगा, आपने वो मार्क कर लिया। हेडिंग बनाने करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लिख दो, ठीक है, या फिर लिख दो ह्यूज कॉस्ट भी लिख दो आप, ह्यूज ह्यूज कॉस्ट लिख दो या फिर लिख दो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसमें है क्या, वो कह रहा है कि बहुत सारी क्वेश्चन सुन लो यहाँ क्या, कि बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, वो कौन सी एक्टिविटीज है और गवर्नमेंट उनमें क्यों इन्वेस्ट करती है, क्यों उसमें पार्टिसिपेट करती है। पहली बात आगे की वो चीजें जैसे जिनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां पे गवर्नमेंट आती है, जैसे पूरे इंडिया में स्कूल बनाने हैं, पूरे इंडिया में हॉस्पिटल बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, तो इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ सिंगल पर्सन टू मेक ऑल दीज थिंग्स, एक बंदा सारा कुछ नहीं बना सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट टेक अप दीज एक्टिविटीज, सारे काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है।
सपोज अगर आप कहते हो कोई टाटा या बिरला कोई भी, वो तो बना देंगे, ठीक है जी बना देंगे, लेकिन इतने चीप रेट पे ये सारी फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। उनका एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो इसलिए ये कम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो ये हमारा फर्स्ट हेडिंग बन गया, क्या है? हूज प्रॉफिट। तो इसमें हम करते हैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप अंडरलाइन करते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। सम ऑफ दीज नीड लार्ज सम ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ, जो आम बंदे की कैपेसिटी से ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी ज्यादा है, वो तो इतना कुछ इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता करके। फिर उसके बाद क्या है? फिर आपने ये कहना है कि एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, ये इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करना, एक बंदे डैम बनाना एक बंदे के बस की बात नहीं है। फिर गवर्नमेंट इसलिए क्या है? गवर्नमेंट ये सारे अपने कामों को अपने हाथ में लेती है। तो ये आपने लिखना है फर्स्ट हेडिंग। दूसरा हेडिंग आ गया गवर्नमेंट सपोर्ट। दूसरा हेडिंग आप क्या बनाओगे? गवर्नमेंट सपोर्ट। वो ये कह रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, एग्जाम्पल कहो कि 50 रुपीज 20 रुपीज पर यूनिट, लेकिन गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है कम रेट के ऊपर 5 रुपीज 6 रुपीज 10 रुपीज। अगर गवर्नमेंट हमको जिस रेट पे प्रोड्यूस हो रही है कंस्ट्रक्शन, जिस रेट पे प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, जनरेशन कॉस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को देती है, तो आम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रेट इतना ज्यादा उनको महंगा पड़ेगा, तो अपना जो पीपल जस्ट वांट टू स्टार्ट द एंटरप्राइज, जो अपना काम को फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, वो खोल नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों में कौन हेल्प करता है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो इसका हमने हेडिंग बनाना है गवर्नमेंट सपोर्ट। एग्जाम्पल मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको मार्क भी कर देता हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा कि करना कैसे है। सेकंड आ गया गवर्नमेंट सपोर्ट, ये वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू देयर बिजनेस अगर गवर्नमेंट इनकरेज ना करे। एग्जाम्पल सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट कॉस्ट ऑफ जनरेशन, जिस रेट पे बिजली बनती है उस रेट पे अगर गवर्नमेंट उनको देगी तो फिर क्या आएगा? तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैनी यूनिट्स जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वो शट डाउन हो बंद हो जाएंगी। फिर गवर्नमेंट आगे आती है, गवर्नमेंट क्या करती है? सप्लाई बिजली उनको प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। फिर गवर्नमेंट सारे बाकी कॉस्ट को गवर्नमेंट सहन करती है, गवर्नमेंट बियर द कॉस्ट। तो ये आ गया, इस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट से लोगों के काम चलते हैं, इंडस्ट्री चलती है, फैक्ट्रियां चलती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री है। तो ये दूसरा काम गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को सपोर्ट देती है। तीसरा जो काम गवर्नमेंट क्या करती है वो आ गया फूड सिक्योरिटी। नाइन्थ में हमने पढ़ा था, ठीक है, नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा था कि ये हेडिंग हम बनाएंगे, ये वाला हेडिंग फूड सिक्योरिटी वाला, ये देखो ये हेडिंग बनेगा। नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर से फिक्स प्राइस के ऊपर फूड ग्रेन्स परचेज करती है, वीट राइस परचेज करती है उनको, और परचेज करके जो गरीब लोग होते हैं उनको सस्ते रेट के ऊपर, हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारी योजना होती है AAY जैसे नाइन्थ में था, तो गवर्नमेंट सस्ते रेट पे उनको फिर क्या है वीट राइस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये काम गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। क्या? कि फार्मर से अच्छे रेट के ऊपर वीट राइस परचेज करके और जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते रेट पे ये सारे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट दोनों की हेल्प करती है, गवर्नमेंट उसकी भी हेल्प करती है। मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ से मार्क करता हूँ, ठीक है, ये देखो, गवर्नमेंट हैज टू बियर सम कॉस्ट इन दिस वे, गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स, दोनों की गवर्नमेंट हेल्प करती है। टू लाइन हम लोग वहां से करेंगे और यहाँ से हमारा, ये हमारा हो गया थर्ड वाला। अब आ गया फोर्थ, फोर्थ हेडिंग हमारा ये है कि जैसे स्कूल है, पूरे इंडिया में स्कूल प्रोवाइड करना किसी एक बंदे की बस की बात है नहीं करते,
इसका हेडिंग हम लोग बना लेंगे, चाहे एजुकेशन बना दो ठीक है, ये एजुकेशन, इसका हेडिंग बनाएंगे एजुकेशन, जो हेल्थ वाला हेडिंग है वो नीचे का, इसका हेडिंग हम यहाँ बनाएंगे हेल्थ ठीक। अब क्या है वो ये कह रहे हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल हेल्थ है, एजुकेशन है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एलिमेंट्री मतलब 8 तक की एजुकेशन, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा अनपढ़ है, इंडिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड में जो इलिटरेट पॉपुलेशन है वो पूरे इंडिया में है, तो इसलिए पूरे इंडिया को जो एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एलिमेंट्री मतलब 8 तक एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ये वाली एक्टिविटीज करती है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मॉडर्न डेज गवर्नमेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज करती है और क्यों करती है, हमने बता दिया ये एक्टिविटीज करती है और इसलिए करती है। लास्ट हमारा हेडिंग आ गया हेल्थ आ गया ठीक, हेल्थ लिख दो, इसका आप हेडिंग हेल्थ भी बना सकते हो और चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट बना सकते हो, एज यू विश ठीक है, हेल्थ बना दो ज्यादा अच्छा है। वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द जो चिल्ड्रन इंडिया में माल नॉरिस्ट है, उनको खाना ही प्रॉपर नहीं मिलता और क्रिटिकली इल है, बीमार भी है करके। अब इंडिया में इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट IMR हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, एक साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, तो वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। देख लो मध्य प्रदेश में इतना है, उड़ीसा में इतना है, जो वर्ल्ड में पुअरेस्ट कंट्री है उससे भी ज्यादा इंडिया में लोग बच्चे मरते हैं। सो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सैनिटेशन फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज, ये सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करना और गवर्नमेंट ये एक्टिविटीज करती है ठीक है। इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ जो पुअरेस्ट रीजन, जो सबसे इग्नोर रीजन है, गरीब है, उनका ध्यान करके गवर्नमेंट क्या करेगी, तो यहाँ पे कैसे उनका ध्यान करेगी, बाय इंक्रीज स्पेंडिंग सच एरियाज। यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा पैसे लगाएगी किसमें, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, इस तरह से फिर क्या है कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रख सकती है गवर्नमेंट। तो ये 5 तरीके आ गए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, या मॉडर्न डेज गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज करती है, व्हाट आर दोस एक्टिविटीज, व्हाई गवर्नमेंट डू ऑल दीस एक्टिविटीज। दोनों क्वेश्चन का आंसर 5 पॉइंट्स है हमारे। पहला पॉइंट हमने किया था ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सेकंड पॉइंट हमने किया है गवर्नमेंट सपोर्ट, थर्ड पॉइंट हमने किया है फूड सिक्योरिटी, फोर्थ पॉइंट किया है हेल्थ सॉरी एजुकेशन, फिफ्थ पॉइंट किया हेल्थ। ये 5 पॉइंट्स हेडिंग बना के आपने करने बोर्ड में इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स ठीक है। थैंक यू बेटे, हमारे चैप्टर खत्म हो गए, नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द जो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का इकोनॉमिक्स का, मनी एंड क्रेडिट, वेरी इजी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो जिन बच्चों ने वो देखना है तो वो भी आप इसके बाद वो वीडियो है वो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है और बहुत मुश्किल लग रहा है आपके, और जब एग्जाम डेज चल रहे हैं इतने ज्यादा आप नहीं देख सकते हो, तो फिर इसके साथ साथ मेरी जो वन शॉट वीडियोस भी हैं हर चैप्टर की, वो 20-30 मिनट्स की, वो भी आप देख सकते हो फॉर रिवीजन के लिए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।